ऑलराइट गाइस, सो आज के वीडियो में भाई हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली आप लोगों को इस वीडियो में भाई प्रूफ भी दे दूंगा कि भाई कंफर्म आपका पैसा जो है इंक्रीज होता है, नहीं होता है, प्रॉफिट मिलता है या नहीं मिलता है। एंड हाँ, एक बात और बता दूं भाई, जो वो सीन होता है ना जैसे कि एक का डबल भाई पैसा डबल, तो डेफिनेटली भाई इसमें पैसा डबल होने वाला है। अगर आप ये वीडियो देखते हो एंड समझते हो, माइंड यूज़ करते हो, तो आप भी अपना पैसे को प्रॉफिट में ले सकते हो, लॉस में नहीं प्रॉफिट में डबल ले सकते हो। एक रुपये डालो भाई, डेफिनेटली आपका पैसा 2 रुपये होएगा, आप विड्रॉ कर लो बहुत ईजी तरीके से। आप लोगों को पता होगा कि भाई कुछ टाइम पहले कॉइनस्विच कुबेर नाम का एप्लीकेशन आया था जिसमें बहुत ही ईजी तरीके से हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते थे, उसे हम विड्रॉ भी कर सकते थे। बट अब क्या है, उसमें UPI डिसेबल हो चुका है, हम पैसे उसमें नहीं डाल सकते हैं। बैंक ट्रांसफर से डालते हैं तो भाई 2 घंटे का कम से कम समय लगता है। सो आज की वीडियो में सेम उसका ही एक अल्टरनेट एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जो बहुत ही भाई ट्रस्टेड है, बहुत ही अच्छा है, उससे भी काफ़ी बेहतर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं उसमें खासकर यूज़ करता हूँ। पहले भाई कॉइनस्विच कुबेर में यूज़ करता था, इन्वेस्ट करता था, लेकिन भाई उन लोगों का जो ड्रामा है ना वो ड्रामा खत्म नहीं होता है। बीच में कुछ चार्जेस भी उन्होंने बढ़ा दिया था, जैसे विड्रॉ करते हो तो कुछ चार्जेस लगेगा। एंड उसके बाद क्या हुआ था कि उसका जो विड्रॉ प्रोसेस था वो कभी भी बंद कर देते हैं। जब हमें पैसे की जरूरत होता है तो भाई पैसे ही नहीं निकाल सकते, ऐसा उसमें प्रॉब्लम चलता है। उनका सर्वर प्रॉब्लम बोल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम बोले वो जाने अब। इस वजह से मैंने कॉइनस्विच कुबेर भाई छोड़ दिया। हालांकि है मेरे पास कॉइनस्विच कुबेर, लेकिन मैं इसमें यूज नहीं करता। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं जिस एप्लीकेशन का, उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे चाहो तो भाई यूज कर सकते हो। प्रमोशन वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, मैं आप लोगों को यहां पर प्रूफ भी दे दूंगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूं नहीं करता हूं, प्लस मेरा जो पैसा है वो यहां पे इंक्रीज होता है या नहीं होता है। सो गाइस, इन्वेस्ट करने का, बाय सेल करने का, क्रिप्टो एक्सचेंज का बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे बैलेंस हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, कॉइनबेस हो गया, आपका ब्लॉकचेन हो गया, बहुत सारा है। लेकिन भाई मेरे को तो खासकर तो यही अच्छा लगा क्योंकि इसमें बहुत ही ईजी है। वन टैप में अपना KYC वेरीफाई कर सकते हो, वन टैप में आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, वन टैप में यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। भाई इससे और अच्छा क्या चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले तो यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करोगे तो नीचे में 4 ऑप्शन मिलेगा, प्राइस का, माई ऑर्डर का, माई इन्वेस्ट का एंड अकाउंट का। इस पर आपको क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद अभी देख लीजिए मेरे को यहाँ पे इतना अवेलेबल है, जो मैं चाहूँ तो इसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ या नहीं तो विड्रॉ भी कर सकता हूँ अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट। एंड बेसिकली यहाँ पे अपना KYC कंप्लीट करने के लिए अकाउंट सेटिंग पे जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए मेरा KYC यहाँ पे वेरीफाई है। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में KYC वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई कैसे होगा भाई, देखो अपना यहाँ पे एक वोटर आईडी कार्ड यानी तो आधार कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड है तो अच्छी बात है, पैन कार्ड डाल सकते हो, प्लस आपका डॉक्यूमेंट के साथ में एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देना है। 2 मिनट में आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे अकाउंट सेटिंग, अकाउंट सेटिंग में क्या है, यहाँ पे अपना बैंक डिटेल ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना बैंक डिटेल पेटीएम पेमेंट बैंक ऐड कर रखा है। आप करना चाहो तो भाई कर सकते हो, नहीं अदरवाइज ICICI बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप वो सब ऐड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे अभी मेरा 1460 रुपये है, ये 1460 रुपये मैंने विड्रॉ किया। सबसे पहले आपको माई ऑर्डर पे मैं जाके यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए डोजी कॉइन मैंने सेल किया था जो 49 रुपीज के यहाँ पे लगभग मैंने सेल किया था। मैंने इसे बाय किया था 41 रुपीज के समथिंग, 1000 रुपये लगाया, 400 रुपये का मैंने प्रॉफिट लिया। वो भी भाई समझ सकते हो कितना इजी तरीके से। और भाई लॉकडाउन में तो आज के टाइम पे 1 रुपये 2 रुपये भाई कोई जल्दी देता नहीं है, तो भाई अपना दिमाग लगाओ एंड यूज करो। इसमें बाय करना और सेल करना बहुत इजी है, एज लाइक जैसे कि आपको डोजी कॉइन ही खरीदना है क्योंकि आज के टाइम पे सब डोजी कॉइन के ऊपर जा रहे हैं, तो एज लाइक जैसे आपको डोजी कॉइन खरीदना है तो अभी दिख लीजिए 10% यहाँ पे माइनस हुआ पड़ा है, 48 रुपीज यहाँ पे करेंसी दे रहा है। इसका पहले तो व्यू यहाँ पे ग्राफ पे ओपन करना है, पहले इसको देखना है कि इसका ग्राफ क्या कह रहा है। तो अभी देख लीजिए इसका ग्राफ कुछ भी यहाँ पे ज्यादा नहीं जा रहा, कभी हाई जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, हाई अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। एंड जहां तक मेरे को पता है यहाँ पे 11% माइनस जा रहा है, तो इस डोजी कॉइन का वैल्यू अभी 41 या नहीं तो 43 के लगभग जाने वाला है, एक्रॉस 45 के नीचे तो जाएगा ही जाएगा। तो इस वजह से मैंने इसे सेल करके अभी होल्ड पे रखा है ताकि और इसे डाउन करने पे और ये डाउन होएगा तो मैं इसमें बाय कर सकूं। बाय करने के लिए सिंपल सा इस पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे डिपॉजिट हुआ पर है, सिंपल सा इस पे अमाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख लीजिए इतने में मेरे को 30 डोजी कॉइन आ रहा है। उसके बाद बाय पे क्लिक करना है एंड इधर से स्वाइप कर देना है। जैसे ही मैं स्वाइप करूंगा ना कि यहाँ पे मेरा बाय हो जाएगा। सेल करने का भी बहुत ईजी है सेम इसी तरह, अभी तो मेरे यहाँ पे नहीं है डोजी कॉइन, मैं तो सेल करके बताता हूँ। तो चलिए मैं इस पे आपको बताता हूँ, बिटकॉइन में अभी मैंने डाल रखा है, बिटकॉइन में मैं अभी जैसे इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद सेल पे एंड उसके बाद देख सकते हो मैंने इतने का यहाँ पे अभी इन्वेस्ट कर रखा है, बिल्कुल भाई ट्रस्टेड है, घबराने की बात नहीं है। उसके बाद सेल करना, इस पे क्लिक करके स्वाइप करना है, सेल हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने सब कुछ समझा दिया, अब रह गया कि मैं यहाँ पे बाय एंड सेल करता हूँ नहीं करता हूँ। तो आप लोग खुद ये देख लीजिए, डोजी कॉइन एंड यहाँ पे लाइट कॉइन भी मैंने यहाँ पे परचेस कर रखा, और भी करेंसी मैं परचेस करता हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने परचेस कर रखा है वो आपको इधर में रेट दिख जाएगा, इतने का मैंने अभी इन्वेस्ट कर रखा है और इतना अमाउंट मैंने अभी प्रॉफिट ले रखा है। लगभग आप लोग समझ चुके हो कि मैंने लिया है या नहीं लिया है, आप लोग को कन्फर्म हो गया है। सो आई होप कोई भी
सो आई होप आप समझ चुके हो कि कैसे इसमें बाय करना है, कैसे सेल करना है, कैसे केवाईसी हमें अप्रूव कराना है, कैसे हम केवाईसी कर सकते हैं, कैसे बैंक डिटेल ऐड करना है। अब रह गया कि मनी कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम सबका दिक्कत होता है मनी हम कैसे ऐड करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे बिटकॉइन ही खरीदना चाहते हैं तो बाय पे क्लिक करेंगे, नीचे में ऐड फंड का ऑप्शन मिलेगा, ऐड फंड्स का इस पर क्लिक करना है। ऐड फंड्स यहाँ पे आपका समझ लिए 0-0 है टोटल, तो ऐड फंड्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कितने का यहाँ पे कर सकते हो, कम से कम 100 रुपए एंड ज्यादा से ज्यादा भाई 1,00,000, 10,00,000, 20,00,000 आप यहाँ पे करते रहिए। यहाँ पे देख लीजिए अमाउंट दे रखा है भाई। सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप यहाँ पे अमाउंट चेक कर सकते हो, कितना अमाउंट 100 रुपए से लेकर अनलिमिटेड तक यहाँ पे अपना, इतना तो भाई होगा नहीं जहां तक पता है। तो यहाँ पे 1,000 का ही ऐड करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद बैंक ट्रांसफर में तो 2 घंटे का टाइम लगेगा। मोबीक्विक का आपको अकाउंट क्रिएट करना है, मोबीक्विक का अकाउंट क्रिएट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा अपना मोबीक्विक का जो नंबर होता है, जिस नंबर से आपने क्रिएट किया है, वो यहाँ पे नंबर आपको फिल करना है। जैसे अभी देख लीजिए मैं आप लोगों के सामने टोटल प्रक्रिया बता रहा हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए ओटीपी वेरीफाई करना है, आपका पैसा पे करने का आ जाएगा, कन्फर्म इसमें ऐड हो जाएगा इजी तरीके से। फिर भी कोई दिक्कत आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। एंड चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे।